देखिए, हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4, आवर ड्रेसेस। ठीक है, अब मैं लाइन बाय लाइन इसको रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। जो इंडिया है ना, वो रंग बिरंगे परिधानों वाला देश है। परिधान मतलब कपड़े, ड्रेसेस मतलब कपड़े। जो इंडिया है, भारत, रंग बिरंगे कपड़ों वाला देश है। विजिट एनी प्लेस एंड यू विल सी द वोमेन वियरिंग ए वेराइटी ऑफ ड्रेसेस लाइक स्कर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा, लुंगी, इसेट्रा। आप जब देश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे घूमने, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग जगह पे औरतें अलग अलग तरह का ड्रेस पहनती हैं। जैसे कहीं स्कर्ट, कहीं जीन्स, कहीं ट्राउजर पहना जाता है, कहीं साड़ी, कहीं सलवार समीज, घाघरा भी कहीं पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, आदि और भी बहुत से ड्रेसेज होती हैं जो पहनी जाती हैं इंडिया में। द मैन कैन बी सीन इन कुर्ता पैजामा, लुंगी, धोती, तहमत, जीन्स और ट्राउजर्स। और अगर आप देखेंगे आदमी लोग, तो आदमी लोग अक्सर कुर्ता पैजामा, लुंगी, धोती, तहमत, जीन्स और ट्राउजर, इस तरह के बहुत से अलग अलग कपड़े पहनते हैं। इन सम प्लेसेस यू विल फाइंड पीपुल वियरिंग वार्म वूलन क्लॉथ्स। कुछ स्थानों पर आप देखेंगे कि लोग वार्म वूलन यानी गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। एंड इन अदर प्लेसेस पीपुल मे बी वियरिंग कूल कॉटन ड्रेसेस। जबकि कुछ दूसरे प्लेसेस पर लोग सिंपल कॉटन ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, जो कि ठंडा रखता है शरीर को। ठीक है, ये देखिए कुछ एग्जांपल इस फोटो में भी दिखाए गए हैं। अलग यहाँ साड़ी पहनी हुई है और यहाँ सलवार समीज है। उसके बाद ये ड्रेस देखिए, ये पंजाबियों का ड्रेस देखिए, ये कश्मीरियों का ड्रेस भी अलग है। यहाँ पे भी और भी कई लोग दिखाए गए हैं। तो तरह तरह के ड्रेस पहने जाते हैं इंडिया में। इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाई इज देयर सच ए वैरायटी इन ड्रेसेस। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर ड्रेसेस में इतनी वैरायटी क्यों है। वैरायटी मीन्स प्रकार, तरह तरह के ड्रेस क्यों है। तो उसका देखिए, वन रीजन फॉर द वैरायटी इज द क्लाइमेट एंड द अदर रीजन इज द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपुल। पहला कारण, रीजन मीन्स होता है कारण, ये जो विभिन्नता है अलग अलग तरह का ड्रेस पहनना, उसका पहला कारण तो वहाँ का क्लाइमेट है, जलवायु, मौसम, कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है। जहाँ गर्म है, हमेशा गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग कॉटन ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। जहाँ ठंडी केवल पड़ती है, वहाँ के लोग वूलन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। एंड द अदर रीजन इज़ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपुल। और दूसरा रीजन जो है कि उस जगह का ट्रेडिशन यानी परंपरा क्या रही है, उनके पूर्वज क्या पहनते थे, वहाँ का कल्चर क्या है। तो कल्चर और ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है ड्रेस। ठीक है, एक क्लाइमेट पर और दूसरा कल्चर एंड ट्रेडिशन पर। तो इन दो बातों पर ड्रेस डिपेंड करती है कि कोई किसी स्थान पर किस तरह का कपड़ा पहनेंगे लोग। तो ये पहला रीजन है क्लाइमेट और दूसरा रीजन है कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखिए यहाँ बताया भी है, इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। आपको पता है कि तमिलनाडु और केरला में क्या होता है कि हॉट मीन्स गर्म और नमी वाला है प्रदेश है ये। वहाँ पे मतलब बारिश, समुंदर के किनारे है उस, ठीक है, सी के, तो वहाँ पे हमेशा बारिश हो जाती है, गर्मी पड़ती है। तो इस तरह के क्षेत्र में, तमिलनाडु और केरला में, पीपुल वियर कूल कॉटन क्लॉथेस। यहाँ के लोग जो है सिंपल आप कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। आप अक्सर साउथ की मूवीज में देखते होंगे कि लोग लुंगी लगा लेते हैं सफ़ेद रंग की और शर्ट पहन के घूमते हैं, तो वो कॉटन के कपड़े होते हैं। द मेन मोस्टली वियर लुंगी एंड कॉटन शर्ट एंड द वोमेन वियर साड़ी और लुंगी विद ए ब्लाउज। वहाँ के लोग जो जेंट्स होते हैं वो लुंगी और कॉटन शर्ट पहनते हैं, और जो वोमेन होती हैं या तो साड़ी पहनती हैं या लुंगी और ब्लाउज पहनती हैं।
ठीक है। तो अब चूंकि वहाँ गर्म पड़ता है तो इसलिए वहाँ पे कॉटन के क्लॉथ्स ज़्यादा पहने जाते हैं। देखिए डू यू नो, मैं समझाया भी है, कॉटन सिल्क एंड ऊल आर नेचुरल फाइबर्स। आपको पता है कि फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक मैनमेड फाइबर। फाइबर का मतलब होता है धागे, समझिए, ठीक है, धागा जिससे कपड़ा बनता है। तो जो मैनमेड धागा होता है वो देखिए ये है, नायलॉन पॉलिस्टर आर मैनमेड फाइबर्स। ये हम लोगों के द्वारा बनाए गए धागे हैं कंपनियों में। और जो कॉटन सिल्क और ऊल होता है, ऊल माने ऊन, ये सब नेचुरल फाइबर हैं। ये सब नेचुरल रूप से पैदा होते हैं और उनसे हम धागा बनाते हैं। और नायलॉन और पॉलिस्टर हम क्या करते हैं, केमिकल वगैरह से मिलाकर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल हैं कॉटन सिल्क एंड ऊल, और मैनमेड फाइबर्स के एग्जांपल हैं नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ओके, आगे देखिए, द पीपुल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वियर थिक वूलन क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। अब यही दूसरे जगह की बात करें जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंडा मौसम, जैसे कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ के लोग क्या होता है, थिक माने मोटा, ऊलन माने ऊनी कपड़े, क्लॉथ्स माने कपड़े। तो कश्मीर और हिमाचल जहाँ का प्लेस ठंडा रहता है, वहाँ के लोग मोटा ऊनी क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है, किस लिए, टू कीप देमसेल्फ वार्म। वार्म माने गर्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। द मेन वियर कैप्स एंड द वोमेन वियर कलरफुल स्कार्फ्स शॉल्स, ठीक है। अब देखिए जो मेन होते हैं वो ऊनी क्लॉथ तो मेन वुमेन दोनों पहनते हैं, लेकिन जो है अपने सिर कान को ढकने के लिए क्या करते हैं, मेन कैप पहनते हैं, और जो वोमेन्स होती हैं वो शॉल ओढ़ती हैं या फिर स्कार्फ बांधती हैं, ठीक है, ठंडी के दिनों में जो हम लोग यूज करते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में ये चीज़ें पहनी जाती हैं। देख रहे हैं, गर्म प्रदेश यहाँ तमिलनाडु वगैरह में कॉटन वगैरह पहनते थे, और जहाँ ठंडा पड़ रहा वहाँ पे वार्म वूलन क्लॉथ्स पहने जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्यों, टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द चिली विंड्स। वो क्यों कैप लगाते हैं या स्कार्फ बांधते हैं या शॉल लेके घूमते हैं, क्योंकि ठंडी के दिनों में या ठंडे प्रदेशों में देखिए ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कान में दर्द होने लगता है, तो उसी चीली विंड यानी तेज चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सिर को। द ड्रेसेज ऑफ वुमेन एज वेल एज द मेन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। चाहे मेन हो चाहे वुमेन, सबके ड्रेस कुछ अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलकर बनते हैं, लाइक कॉटन सिल्क ऊल नायलॉन रेयॉन, इन सारे मटेरियल से मिलाकर हमारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। द टाइप ऑफ मटेरियल पीपुल चूज फॉर देयर ड्रेसेस डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। अब किस तरह का मटेरियल आप अपने कपड़े को बनाने के लिए चुनते हैं, ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पर, आपके यहाँ के मौसम पर, आपके यहाँ के जलवायु पर। इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर, जहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है यानी गर्मी जहाँ पड़ती है, कॉटन एंड लाइनन फैब्रिक्स आर ओन। उस जगह पे लोग कॉटन और लाइनन धागों के बने कपड़े पहनते हैं, ठीक। इन कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठंडा मौसम होता है, पीपुल मोस्टली यूज सिल्क एंड वूलन मटेरियल। सिल्क और ऊनी मटेरियल से बना कपड़ा पहनना पसंद करते हैं जहाँ ठंडी पड़ती है। डू यू नो, कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन है वो कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से, पौधा होता है, उसमें रुई की तरह, कॉटन रुई को कहते हैं, ठीक है, तो उसी रुई से कॉटन बनता है, तो ये पैदा होता है प्लांट से। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क किससे मिलता है, एक कीड़ा होता है जो मलबरी ट्री, शहतूत के पेड़ पर होता है, उससे मिलता है सिल्क। एंड ऊल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स। और ऊल कैसे मिलता है, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनके फर से, बाल से, हेयर से, जैसे सीप याक, उनके हेयर को काट कर ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया आल्सो अफेक्ट आवर ड्रेसेज। भाई किसी स्थान का कल्चर, वहाँ के लोगों का रहन सहन, ट्रेडिशन मतलब वहाँ के परंपरा, ये भी उस एरिया के पहनावे को प्रभावित करता है। अफेक्ट माने प्रभावित करना, ड्रेस माने पहनावा। वहाँ के क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे वो उस प्लेस के कल्चर और ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है। इफ़ यू गो टू हैदराबाद और लखनऊ, यदि आप हैदराबाद या लखनऊ जाएंगे, यू विल फाइंड सम मुस्लिम वोमेन वियरिंग बुरका। तो आप वहाँ पे पाएंगे कि कुछ मुस्लिम औरतें जो हैं वो बुरका पहनेंगी, इस तरह से देखिए, ब्लैक ड्रेस, कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा, ठीक। इट इज़ ए लॉन्ग ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लॉक, ये जो है आप देखेंगे लंबा काले रंग का या किसी भी डार्क रंग का एक क्लॉथ होता है, पूरा शरीर को ढका रहता है। द मेन एज वेल एज ओमेन वियर ए लूज लॉन्ग रोब नोन एज फिरन इन कश्मीर। आप कश्मीर में देखेंगे तो लोग जो है बिल्कुल ढीला ढाला कुर्ता पैजामा समझिए, फिरन तो मीन्स होता है कि आपका एक कपड़ा जो ढीला ढाला बिल्कुल हो, शरीर में चिपका ना रहे, इस तरह का कपड़ा कश्मीर में पहना जाता है, ठीक है। द वुमेन फ्रॉम असम वियर मेखला चद्दर, असम की जो औरतें होती हैं वो मेखला चद्दर पहनती हैं, और राजस्थानी औरतें क्या पहनती हैं, घाघरा चोली। ये देखिए राजस्थानी औरतें घाघरा चोली पहनती हैं, और जो ये मैं बोल रहा था द मैन एज वेल एज वुमेन वियर, चाहे आदमी हो चाहे औरत, कश्मीर में एक ड्रेस होता है फिरन, ये देखिए इसका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, इस तरह का ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं फिरन। तो ये तरह तरह के ड्रेस पहनने के पीछे एक कारण वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन भी है कि वहाँ के लोगों का परंपरा क्या रहा है, उनके पूर्वज क्या पहनते रहे हैं, ठीक है। तो इस इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मैन वियर ए सफा टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द हॉट सन। अब इन स्टेट्स को देखिए, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है और महाराष्ट्र है, इन स्टेट्स में क्या होता है ना, गर्मी बहुत पड़ती है, तो मैन वियर ए सफा, तो इन स्टेट्स में लोग क्या पहनते हैं, जो आदमी होते हैं वो एक पगड़ी लगाते हैं, सफा या टर्बन माने पगड़ी। क्यों लगाते हैं, टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द हॉट सन, चूँकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपने सिर को उस गर्मी से बचाने के लिए ये लोग पगड़ी पहनते हैं। इसी तरह इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर मैन वियर वूलन कैप्स इन विंटर्स। अब हिमाचल प्रदेश और कश्मीर ठंडे प्रदेश हैं, ठंडा पड़ता है, तो वहाँ लोग क्या पहनते हैं आदमी, ऊनी टोपी, वूलन कैप्स का मतलब ऊनी टोपी, ऊन से बनी हुई टोपी पहनते हैं ठंडियों में, ठीक है। देखिए ये कुछ फिगर भी दिखाया हुआ है, हरियाणा में ऐसा सफा या टर्बन पहनते हैं, पंजाब में इस तरह का टर्बन, आपका वेस्ट बंगाल में इस तरह का टर्बन, राजस्थान में इतना भारी भरकम टर्बन पहनते हैं ताकि गर्मी से ही अपने सिर को बचा सकें। अब महाराष्ट्र का भी नाम दिया है तो महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके में गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी, तो वहाँ के लोग भी अपने सिर को धूप से बचाने के लिए टर्बन यूज करते हैं, पगड़ी यूज करते हैं। दिस डेज मोस्ट गर्ल्स कैन बी सीन इन सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट, दे फाइंड देम कम्फर्टेबल। कहीं भी आजकल चल जाइए तो आप नोटिस करेंगे कि जो गर्ल्स हैं वो सलवार कमीज पहनना पसंद करती हैं, चूड़ीदार कुर्ता पहनना पसंद करती हैं, या फिर जीन्स और टी शर्ट पहनना पसंद करती हैं। क्यों, क्योंकि इन कपड़ों में ये कंफर्टेबल होती हैं, ये कपड़े इनके लिए आरामदायक होते हैं, इसीलिए गर्ल्स जो है इन कपड़ों को ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं। साड़ी इज ओवर ऑल ओवर इंडिया, बट द स्टाइल ऑफ वियरिंग ए साड़ी एंड द मटेरियल्स यूज फॉर आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
इंडिया में कहीं भी आप चल जाइए, आपको साड़ी पहने हुए बहुत सी औरतें मिल जाएंगी। बस अंतर क्या होगा कि उनके साड़ी पहनने की स्टाइल स्टाइल ऑफ वियरिंग है, सारी साड़ी पहनने की स्टाइल अलग अलग होती है, और जो साड़ी पहनी है वो उनका मटेरियल अलग अलग हो सकता है। जगह जगह पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग मटेरियल की साड़ियाँ हो सकती हैं और उनके पहनने का स्टाइल भी अलग अलग हो सकता है। यू कैन नेम द स्टेट बाई लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ वियरिंग ए साड़ी। आप केवल उनके साड़ी पहनने की स्टाइल देखकर ही बता सकते हैं कि वो किस स्टेट की लेडीज हैं। जैसे इस तरह से साड़ी जहाँ पहनी जाती है वो महाराष्ट्र है, और इस तरह से साड़ी पहना जाता है जिस स्टेट में वो बंगाल है, बंगाली स्टाइल है ये, और इस तरह से साड़ी जहाँ पहनी जाती है वो गुजराती स्टाइल है, गुजरात में। ठीक है, तो देख कर भी बताया जा सकता है कि ये किस स्टेट की महिला है या किस स्टेट की स्टाइल है। मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउजर्स एंड जीन्स विद शर्ट एंड कोट्स। आप ज़्यादातर लोगों को, आदमियों को देखेंगे कि वो पैंट शर्ट या जीन्स शर्ट पहनते हैं। ट्राउजर मीन्स समझिए पैंट, तो पैंट जीन्स के साथ शर्ट और कोट ऊपर से पहनना पसंद करते हैं, या फिर पैंट शर्ट पहनकर जनरली दिख जाते हैं। मैन इन सिटीज एंड टाउन्स, चाहे शहर हो चाहे कोई नगर हो कस्बा हो, वहाँ पर जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है जैसे शादी ब्याह कोई त्यौहार हो, तो उस टाइम पे लोग कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करते हैं, धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, अचकन पहनना पसंद करते हैं, ये स्पेशल ओकेजन पे इस तरह के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। फिर पैंट शर्ट और कोट पहनना ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, पहनते ही हैं। ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स, ब्राइड्स मीन्स होता है दुल्हन और ब्राइड ग्रूम्स मीन्स होता है दूल्हे, दुल्हन और दूल्हे। वह डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप भारत देश के डिफरेंट स्टेट्स में चल जाइए, वहाँ आप जब शादी वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे कि दूल्हे और दुल्हन का ड्रेस भी अलग अलग होता है अलग अलग स्टेट में। ये देखिए गुजरात में इस तरह का ड्रेस, आसाम में इस तरह का ड्रेस होता है दूल्हे दुल्हन का, वेस्ट बंगाल में इस तरह, और फिर कश्मीर में इस तरह का ड्रेस होता है। इसी तरह अदर स्टेट में और भी, मतलब इंडिया के भाई 28 स्टेट्स हैं, तो उन अलग अलग स्टेट्स में दूल्हे दुल्हन का ड्रेस भी अलग अलग होता है। ये देखिए, ये लोग देखिए जॉब करने वाले लोग हैं और इनका भी कुछ स्पेशल ड्रेस है। देखिए ये प्लम्बर जो घर में नल पाइप ये सब बेकार हो जाए तो उसको सही करते हैं। उसके बाद ये नेवी मैन, इनका भी स्पेशल ड्रेस है। नर्स या डॉक्टर, इनका स्पेशल ड्रेस है। और ये देखिए पुलिसमैन, इनका भी एक स्पेशल ड्रेस है। ठीक, या इसको आप मैकेनिक के तौर पे भी ले सकते हैं, प्लम्बर तो प्लम्बर, मैकेनिक भी कहते हैं प्लम्बर को। ठीक है, तो कुछ मैकेनिक्स का भी, जैसे कोई साइकिल बनाने वाला है या कोई कार बनाने वाला है, कोई बाइक बनाने वाला है, तो कुछ स्पेशल या बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे तो उनके वर्कर इस तरह का ड्रेस पहनते हैं। या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं पापा, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ जो पेट्रोल भरने वाले आदमी होते हैं उनका भी एक स्पेशल ड्रेस होता है। तो देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं यहाँ। सम ड्रेसेज आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशंस, कह रहा है कि कुछ ड्रेस जो होते हैं ना किसी काम के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे अब देखिए ये काम है इनका मैकेनिक का, तो मैकेनिक के साथ इस तरह का ड्रेस जुड़ गया। ठीक, इनका काम नेवी के हैं ये, तो नेवी वालों के साथ ऐसा ड्रेस, मतलब जॉब के साथ भी कुछ ड्रेस जुड़े रहते हैं, स्पेशल होते हैं। ए मैकेनिक विद नेवी ब्लू डंगरीज एंड ए नावल ऑफिसर इन वाइट यूनिफॉर्म कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजली। आप इनके ड्रेस को देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा काम करते होंगे। देखिए ये मैकेनिक जो है नेवी ब्लू डंगरीज पहना हुआ है इस तरह का कपड़ा, तो देख के हम पहचान जाते हैं ये मैकेनिक है। ये जो नेवी का ऑफिसर
बता देंगे कि ये नेवी के ऑफिसर हैं, ठीक है, पर आसानी से पहचान जाएंगे। इन द सेम वे योर स्कूल यूनिफॉर्म मेक्स इट इजी फॉर एवरीवन टू नो विच स्कूल डू यू स्टडी इन। इसी तरह आप देखते हैं हर एक स्कूल के बच्चों का जो यूनिफॉर्म होता है वो अलग अलग होता है, तो उस यूनिफॉर्म को ही देख कर पहचाना जा सकता है कि ये बच्चा किस स्कूल का है और किस स्कूल में स्टडी करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी क्लासिकल एंड फोक डांसेस। इंडिया जो है, इंडिया के अलग अलग स्टेट में बहुत तरह के क्लासिकल और फोक डांस होते हैं। द डांसर्स वियर ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स। आप देखेंगे तो जो डांसर्स होते हैं बहुत सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम पहनते हैं, उनके मेकअप करने का स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे भरतनाट्यम का देखिए इस तरह से, कथकली का इस तरह से, ठीक है, गरबा का इस तरह से गुजरात में। तो ये मतलब तरह तरह के क्लासिकल और फोक डांस इंडिया में अलग अलग स्टेट में होते हैं और उनका कॉस्ट्यूम और जो है मेकअप भी बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ हम लोग दो चीज़ सीखे कि जो ड्रेस कुछ ड्रेस होती हैं वो स्पेशल जॉब्स के साथ या किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। और दूसरा हमने ये सीखा कि इंडिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग क्लासिकल और फोक डांस होते हैं जिनके कॉस्ट्यूम्स अलग अलग होते हैं और उनके मेकअप का स्टाइल भी अलग अलग होता है। अगला पॉइंट देखिए हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वूलन क्लॉथ्स आर ओर्न इन। जो ऊनी कपड़े होते हैं कहाँ पहने जाते हैं, कब पहने जाते हैं, वो विंटर में पहने जाते हैं, ठंडी में, तो विंटर को टिक कर देंगे। एन ऑक्यूपेशन लिंक्ड विद यूनिफॉर्म इज। वह कौन सा काम है जिसका कोई यूनिफॉर्म फिक्स यूनिफॉर्म है, तो वही कौन सा है, कौन सा है, पायलट। देखिए पायलट यूनिफॉर्म पहने रहते हैं वाइट कलर का, इनको देख के ही पहचाना जा सकता है कि ये पायलट हैं। अगला पॉइंट देखिए, व्हाट डू पीपल वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अभी हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि जहाँ गर्मी और नमी वाला जलवायु है, क्लाइमेट है, वहाँ क्या पहनते हैं लोग, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो लाइनन और कॉटन दोनों के कपड़े पहनते हैं, इसलिए यहाँ बोथ पर टिक करेंगे। बोथ मीन्स दोनों, लाइनन और कॉटन दोनों मटेरियल के बने कपड़े पहने जाते हैं। ए सफा इज आल्सो नोन एज। सफा को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे पगड़ी के नाम से जानते हैं, पगड़ी, तो इसे टिक कर देंगे सी को। फिल इन द ब्लैंक देखिए, मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउजर्स एंड जीन्स विद। भाई इंडिया के ज्यादातर आदमी पैंट या जीन्स के साथ क्या पहनना पसंद करते हैं, शर्ट, तो यहाँ पे शर्ट्स हो जाएगा, ठीक। सेकेंड है, साड़ी इज ओर्न ऑल ओवर इंडिया। साड़ी पूरे इंडिया में पहना जाता है, तो इसमें साड़ी होगा, ठीक है। अगला, सम ड्रेसेज आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशन। सम ड्रेसेज आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशन, थर्ड में ऑक्यूपेशन होगा। फोर्थ है, द ड्रेसेज ऑफ पीपुल डिपेंड ऑन द। किसी स्थान के लोग किस तरह का कपड़ा पहनेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेट पर, वहाँ के मौसम पर, तो ये देखिए क्लाइमेट, फोर्थ में क्लाइमेट फिलअप करेंगे, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अगला है, मोस्ट स्कूल्स चिल्ड्रेन वियर। भाई ज़्यादातर स्कूल के बच्चे क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। ओके, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक हम कंप्लीट कर लिए। अगला है हमारा, मैच द फॉलोइंग। तो मैच कर लेते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोग लुंगी पहनना पसंद करते हैं, तो फर्स्ट का डी से मैच कराइए। कश्मीर के लोग क्या पसंद करते हैं भाई, फिरन, ये देखिए ई, कश्मीर के लोग फिरन पसंद करते हैं पहनना। महाराष्ट्र के लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, कुर्ता पैजामा। महाराष्ट्र के लोग कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करते हैं, थर्ड का सी। आसाम के लोग मेखला चादर, फोर का ए, ठीक है, आसाम के लोग मेखला चादर पहनना पसंद करते हैं। और राजस्थान के लोग घाघरा चोली, ये देखिए जो महिलाएं होती हैं राजस्थान की, वो घाघरा चोली पसंद करती हैं पहनना, फिफ्थ का बी।
और आसाम की महिलाएं ज्यादा पसंद करती हैं मेखला चादर पहनना। तो 4 का ए। इस तरह से फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, तमिलनाडु का डी लुंगी, कश्मीर का ई फिरन, महाराष्ट्र का सी कुर्ता पैजामा, आसाम का ए मेखला चादर और राजस्थान का बी घाघरा चोली। हमारा लेसन 4 का क्वेश्चन आंसर डी सेक्शन में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, विच टू मेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसेज ऑफ पीपल। जो हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं उसके लिए मेनली कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पहला क्लाइमेट, दूसरा द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, मतलब उस स्थान का जलवायु और उस स्थान की परंपरा और सभ्यता क्या रही है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसा ड्रेस पहनते हैं। क्वेश्चन टू है, वाई इज देयर ए ग्रेट वैरायटी इन ड्रेसेज इन इंडिया। क्यों भाई इंडिया में लोगों में जो है ड्रेसेज को लेकर तरह तरह की वैरायटी है, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। तो वही आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग होता है। तो उस स्थान का क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरी चीज़ की हर जगह की सभ्यता और ट्रेडिशन परंपरा भी अलग अलग होती है। तो ये दोनों आंसर, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस, ये दो चीज़ें की वजह से वैरायटी दिखती है ड्रेसेज में। अगला क्वेश्चन है, नेम टू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। भारत के दो स्टेट का नाम बताना है इंडिया के, जहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट एंड ह्यूमिड है, गर्म है, नमी वाला है। और ये भी बताना है व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेज आर ओर्न देयर, वहाँ पर किस तरह का कपड़ा पहना जाता है। तो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आप भाई, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है तमिलनाडु में है और केरला में है, ठीक है। एंड पीपुल वियर कूल एंड कॉटन क्लॉथ, वहां पर पीपुल जो है कॉटन। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट तमिलनाडु का है और केरला का है, ठीक है, यहाँ के लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेज। अलग अलग मटेरियल जो यूज होते हैं ड्रेस बनाने के लिए कौन कौन से हैं बताइए। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने आंसर को और जो है बढ़ा दिया है ताकि ये भी आप जानिए। देखिए ये तो मटेरियल है, कॉटन सिल्क एंड उल आर नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स हैं, कॉटन सिल्क एंड उल, ठीक। नाइलन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर्स, ये इंसानों द्वारा बनाए गए धागे हैं, नाइलन एंड पॉलिस्टर केमिकल से बना, ठीक। ऑल दीज मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग ड्रेसेस। तो आप याद रखना क्या है, कॉटन सिल्क उल नाइलॉन पॉलिस्टर, ये सब ऐसे मटेरियल फाइबर्स हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेम द ड्रेसेस दैट यू लाइक टू वियर फॉर स्पेशल ओकेजन्स। किसी अच्छे मौके पर, कुछ खास मौका हो घर में, कोई खास प्रोग्राम हो, अच्छा प्रोग्राम हो, तो उस पर आप क्या ड्रेस पहनना पसंद करेंगे। तो जनरली आई लाइक टू वियर कुर्ता पायजामा, धोती कुर्ता एंड अचकन फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक ए फेस्टिवल मैरिज, इन सब पर भाई कई तरह के, कुछ लोग कुर्ता पजामा पसंद करते हैं, कुछ लोग धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसके साथ अचकन पसंद करते हैं पहनना, पैंट कोट भी पहनना पसंद करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें पहनते हैं लोग। यहाँ कुछ आंसर में हमने दे दिया है। मोर एंड मोर पीपुल आर वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स दीज डेज। आजकल जो है ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न क्लॉथ्स पहन रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता वाले अमेरिका ब्रिटेन में जैसा पहना जाता है वैसा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? दीज डेज मोस्ट बॉयज लाइक टू वियर जीन्स एंड शर्ट। आजकल जो बॉयज हैं जीन्स और शर्ट ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, वेयर एज गर्ल्स लाइक टू वियर सलवार कमीज और जीन्स एंड टी शर्ट, जबकि लड़कियाँ सलवार कमीज और जीन्स टी शर्ट पहनना पसंद करती हैं, बिकॉज दे फाइंड देम कम्फर्टेबल। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पहनने में उनको कंफर्टेबल रहता है, चलने फिरने बैठने उठने में, इसीलिए।
ठीक है, अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारा, इसको मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। एवरी वन इज वियरिंग ए न्यू यूनिफॉर्म एक्सेप्ट मोहित ऑन द फर्स्ट डे इन द न्यू क्लास। नया क्लास स्कूल स्टार्ट हुआ, उसमें सभी बच्चे अच्छे अच्छे नए यूनिफॉर्म पहन के आए थे, केवल मोहित ही था जो न्यू यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहा था। मोहित टोल्ड हिज फ्रेंड दैट हिज पेरेंट्स आर कलेक्टिंग मनी फॉर हिज फादर्स हार्ट ऑपरेशन। मोहित ने बताया अपने दोस्तों को कि मेरे माता पिता जो है परिवार वाले पैसा कलेक्ट कर रहे हैं मेरे पापा के हार्ट ऑपरेशन के लिए, उसके पापा को कोई प्रॉब्लम थी हार्ट से रिलेटेड। दे कुड नॉट स्पेंड मनी ऑन ए न्यू यूनिफॉर्म एंड बुक्स, तो उसके माता पिता जो है नए बुक और नए यूनिफॉर्म के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा, हाउ कैन हिज क्लासमेट्स हेल्प हिम, उसके क्लासमेट्स कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो सकता है कि इसके क्लासमेट अपनी जो है, हिज क्लासमेट्स कैन रिक्वेस्ट टू देयर पेरेंट्स टू डोनेट मनी फॉर द ऑपरेशन ऑफ मोहित्स फादर। भाई क्लासमेट्स अपने पापा और मम्मी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग जो है कुछ पैसा मोहित के फादर के ऑपरेशन के लिए डोनेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, व्हाट स्टेप कैन द टीचर्स टेक सो दैट मोहित डज नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन हिज स्टडी। टीचर क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे मोहित की स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए? तो टीचर्स कैन फॉरगिव हिज ट्यूशन फीस, टीचर भाई ये कर सकते हैं कि उसकी ट्यूशन फीस को माफ कर सकते हैं, स्कूल फीस को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ कैन द पेरेंट्स ऑफ मोहित क्लासमेट हेल्प, मोहित के क्लासमेट के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं मोहित की? तो हिज क्लासमेट्स पेरेंट कैन अरेंज ए वर्क फॉर मोहित फैमिली मेंबर्स टू अर्न मनी। भाई जो मोहित के क्लासमेट के पेरेंट्स हैं, दोस्तों के मम्मी पापा, वो कुछ काम अरेंज कर सकते हैं मोहित के फैमिली मेंबर्स के लिए, ताकि वो लोग काम करके कुछ पैसा कमा सकें और मतलब मोहित के पापा के हार्ट ऑपरेशन में वो पैसा काम आएगा, तो इस तरह से वो लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैंने बना दिया है, आपका क्वेश्चन आंसर भी इसमें है और पूरे चैप्टर का हिंदी जो है एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको और भी वीडियो इस तरह के मिलते रहें।